नमस्ते दोस्तों, लिप टू ईट में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम, और इसकी बहुत कम सामान से बन जाएगी और इसको बनाना बहुत आसान है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। इस पर एक पैन रख लेंगे, उसमें ये हम दूध डाल देंगे। दूध में उबाल आने देते हैं, तेज भी उबाल दे देंगे हम। दूध में उबाल आ गया, और इसमें हम ये चीनी मिला देंगे, और अब इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये दूध 1/3 कप ना रह जाए। और गैस हमें अब स्लो कर देंगे, स्लो पर ही पकाना है। ये दूध पकते पकते 1/2 कप के करीब रह गया है। अब इसमें ये हम मैंगो पल्प डाल देंगे, और इसको डाल के हम अच्छे से मिलाएंगे। थोड़ा सा गाढ़ा करना है इसको। अब हम ये लगातार चलाते ही रहेंगे, छोड़ना नहीं है। दोस्तों देखिए, आम डालने के बाद हमने इसे 5 मिनट चला लिया है स्लो पे। गैस हम बंद कर देते हैं। दोस्तों अब कांच की इस तरह की कटोरियां ले ली है हमने, आप स्टील की भी डाल सकते हैं ये मटेरियल। अब इसमें हम 1.5 चम्मच ये डाल देंगे। बाउल हमने बन के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे, ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब इनको हम चम्मच से हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो ये टेस्टी डिलीशियस मैंगो मिठाई बन के तैयार है। ये हमने फ्रिज में से निकाल लिए। आप जब सर्व करें तो हम इसको बॉल में भी सर्व कर सकते हैं। स्टिक रख दें छोटी, ये खाने में देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी। या फिर हम इसको बॉल में से निकाल के भी इसको हम प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो आपका जैसा मन हो आप वैसा कर लें। ये थोड़ी लूज है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।